चुनाव के मद्देनजर एक अहम बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव आयोग के विशेष दिशा निर्देश बताए गए। साथ ही बताया गया कि किस तरह से वोटिंग के समय कौन कौन से कार्ड मान्य किए गए हैं और कौन कौन से नहीं। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उस पर्ची के साथ आपको अपना एक वैकल्पिक जो आइडेंटिटी कार्ड है, चाहे वो एपिक हो आपका वोटर कार्ड, विधानसभा निर्वाचन से अभी इस लोकसभा निर्वाचन के बीच में एक अंतर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वोटर स्लिप बीएलओ के द्वारा दी जाती है, पर्चा काफी बड़ा सा आपने देखा होगा किसी बार दिया गया है, जिसमें मतदाता का फोटो है, मतदान के नाम है, कर्तव्य संख्या।